फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। ये लीजिए खस्ता कचौड़ी। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगेगी दोस्तों, पूरा वॉच कीजिएगा फुल वीडियो। और रेसिपी है बहुत टेस्टी बनी थी दोस्तों, उड़द की दाल की कचौड़ी है। सो हमने मीठे के साथ बनाई थी, आप चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इधर मैंने एक बाउल ले लिया है, कोई भी आप नाप ले लीजिएगा। दो बाउल मैंने ले लिए हैं, करीब आधा किलो, आधा केजी थी मैदा हमारी, ठीक है। आप आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैदा से खस्ता कचौड़ी और टेस्टी बनती है दोस्तों। या आधा आटा या आधा बेसन भी आप ले सकते हैं, दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। इधर मैंने बीच में थोड़ा सा खट्टा कर लिया है, ताकि हम इसमें सारे मसाले और नमक वगैरह घी वगैरह डाल सकें, इससे अच्छे से मिल जाता है। इधर अजवाइन ले लिया मैंने, हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो फिलिंग बनेगी, जो अंदर स्टफिंग होगी दाल की, उसमें भी नमक होगा, तो उतना ही डालिए। इधर मैंने ले लिया है एक सर्विंग स्पून है छोटा, उसमें मैंने ले लिया है घी ले लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। दो स्पून मैंने ले लिया है, एक बाउल के लिए एक स्पून डालिएगा। अगर एक बाउल आप लेते हैं या एक कप लेते हैं मैदा, तो उसमें दो चम्मच डालिएगा, टू टीस्पून घी या ऑयल। अगर मैंने बड़ा लिया था, आधा के जी की मैदा, तो मैंने उस हिसाब से डाला है, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिला लेंगे धीरे धीरे, हम एक डो लगा लेंगे, और डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। सैली सॉस लगाएंगे दोस्तों, ना टाइट और ना लूज होना चाहिए। ये देखिए सॉफ्ट है, इसको रेस्ट के लिए हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ढककर इसको उठा के साइड पर रख देंगे, ठीक है। आटा हमारा हो गया है, अब हम करते हैं मेन इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। इधर ले लेते हैं कचौड़ी का मसाला। तो इधर डाल दिया मैंने, 2 से 2.5 चम्मच डाला है धनिया, खड़ा धनिया है, देसी वाला धनिया है। इधर मैंने ले लिया है जीरा, 2 चम्मच जीरा है, 3 चम्मच ले लिया है सौंफ, ठीक है। आप कम बनाना चाहें कम बना सकते हैं। इधर ले लिए हैं 5 से 6 मैंने लाल मिर्च ले लिए, तीखी वाली जो होती है। काली मिर्च ले ली है 5 से 6, 6 से 7 जो भी लेनी है आपको, जैसे भी काली मिर्च और लौंग ले लिए 4-5 मैंने। इन मसालों में हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ड्राई रोस्ट इनको कर लें, ज़्यादा मतलब ड्राई रोस्ट नहीं करना, हल्का सा भूनना है इनका, जैसे खुशबू आने लगे, ये चटकने लगे। ये देखिए मसाले हमारे भून गए हैं अच्छे से, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है दोस्तों। इसको कर लेंगे ठंडा, ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सर ग्राइंडर ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे से पाउडर इसका नहीं बनाना है, थोड़ा सा मसाला हम इसका मतलब बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे, मतलब मुंह में आए जब दाल वगैरह में डालेंगे ना इन मसालों को, तो उसका स्वाद अलग आता है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, मैंने दिखाया आप लोगों को किस तरह से है, इस तरह से मसाले रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। इधर ले लिए उड़द की दाल, मेरी छिलके वाली थी, आप भुनी हुई भी ले सकते हैं, तो मैंने थोड़े छिलके निकाले, हल्के से रह गए हैं, तो उसको इस तरह से मैं पीस लूंगी, ठीक है। आप मूंग की भी दाल ले सकते हैं, मैंने उड़द की ली थी। तो इसको पीसने के बाद बिना पानी के पीसना है दोस्तों, पानी नहीं लगाना है। आप लगाना चाहें तो 1-2 चम्मच लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गीली होगी दाल तो फ्राई भी उतनी ही देर में हुई। ये देखिए मैंने 2 बार चलाई है, धीरे धीरे रुक के चलाइए, रोकिए, चलाइए, रोकिए, इस तरह से पीसिए इसको, धीरे से पिस जाती है। बस इतनी ही रखेंगे इसकी, ये देखिए थोड़ी मोटी पीसेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे इसको भी। देखिए दाल हम उठा के साइड में रखेंगे दोस्तों, इसकी तैयारी करते हैं फ्राई करने की। हम इधर ले लेते हैं एक फ्राई पैन या कढ़ाई, जो भी आपको लेना है। सरसों का तेल ले लिया है दोस्तों, इसको फ्राई हम सरसों के तेल में ही करेंगे, बाकी आप जो ऑयल यूज़ करना, जो तेल आप यूज़ करना चाहें, घी में फ्राई करना चाहें तो घी में कर सकते हैं इसको। इधर डाल दिया मैंने 1 चम्मच जीरा, और हींग डाल देंगे, हींग हम 1/2 चम्मच से 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि हींग की इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल कचौड़ी में दोस्तों। तो हींग
और जीरा जरूर डालिएगा अच्छे से। हम दाल धीमे धीमे फ्राई कर लेंगे, बहुत हल्के से फ्राई करना है, लो फ्लेम में रखना है, तेज नहीं करना है, दाल हमारी इससे लग जाएगी। अगर नॉन स्टिक फैन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, तो ये नीचे कढ़ाई में नहीं लगती, मेरा स्टील का था लेकिन लगी नहीं थी, अभी बनने के बाद देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा हल्का हल्का सा बस पकड़ा है दाल ने, क्योंकि दाल जब मॉइस्चर होता है तो हल्का सा पकड़ लेती है, फिर उसके बाद धीरे से छोड़ देगी, ये खुद ही जब भुन जाएगी अच्छे से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है, जब ये नीचे से भुन जाती है और कड़छे से आप हटाइए, देखिए इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, वो दाल भुनी हुई खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी दोस्तों इसकी, और जो हींग और जीरा हमने डाला है उसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है, तो याद रखिएगा हींग और जीरा जरूर डालिएगा। देखिए छोड़ दिया, इस तरह से सारी दाल हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इधर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, कसूरी मेथी डाल दी है, इधर थोड़ा सा काला नमक डाला है, तो देख लीजिएगा आटे में भी नमक है उस हिसाब से आप डालिएगा दोस्तों, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था। कसूरी मेथी थोड़ी सी भून जाएगी दाल के साथ, हल्की सी खुशबू आती है जब कसूरी मेथी दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से बनाइएगा दोस्तों और कमेंट में जरूर लिखिएगा। इधर मैंने जो मसाला बनाया था शुरुआत में वही मसाला हमने एक चम्मच डाला है, एक से दो चम्मच भी आप डाल सकते हैं, दाल के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितनी दाल आपने ली है कचौड़ी के लिए। इधर फ्राई हो गया, साइड में उठा के रख देंगे मसाले, तो दाल की जो फिलिंग है उठा के रख देंगे, वो स्टफिंग है तो ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म है तो गर्म गर्म तो भरी नहीं जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। इधर हमने आटा देखा कितना सॉफ्ट हो गया आटा हमारा, ये देखिए हम इसका बाकी आटे को उठा के ढक के रख देंगे, आटा सूखना नहीं चाहिए, और एक लॉक बना लेंगे, लॉक बनाने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ, जितनी बड़ी कचौड़ी आपको बनानी है, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों, तो मैंने छोटी छोटी बनाई थी, इस तरह से लोइयाँ कट कर लेंगे। ज़्यादा आटा ना निकाल के रखिएगा नहीं तो आटा सूख जाता है, हवा लग के सूख जाता है, इसको ढक के रख दीजिएगा साइड से, जितनी बनानी है पहले उतनी बनाइए। इधर एक लोई ले लिए मैंने, हल्का सा बेलन मारा है, आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, देखिए इधर ले लिया है मैंने थोड़ा सा चम्मच से स्टफिंग, दाल की स्टफिंग जो बनाई थी वो थोड़ी सी ले ली, ठंडी हो गई थी दोस्तों, इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे, कवर कर देंगे अंदर, स्टफिंग अच्छे से कवर हो जाए, और जो आटा हमारा ऊपर एक्स्ट्रा होगा उसको हम क्या करेंगे निकाल देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा आटा को उसमें नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा आटा हो तो जैसे कभी कभी बड़ी लोई ले लेते हैं हम लोग निकाल देते हैं तो उसको निकाल देंगे, हमारा आटा स्टफिंग के मुताबिक सही था तो मैंने नहीं निकाला है उसको, तो दबा दिया यहाँ से। इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे दोस्तों, ये देखिए छोटी छोटी मैंने बना ली है, हथेली से दबाइएगा दोस्तों, नहीं तो बेलन लगाना है तो हल्का सा लगाइएगा हल्के हाथ से, देखिए सारी कचौड़ियाँ हम तल लेंगे इसी तरह से, मैंने सरसों के तेल में तली थी, आप रिफाइंड में भी तल सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ मेरे यहाँ सरसों का तेल यूज होता है, रिफाइंड यूज नहीं होता है, सरसों का तेल आप दो से तीन बार यूज कर सकते हैं पके हुए, लेकिन रिफाइंड को नुकसान करता है दोस्तों, तो अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, फैमिली में भी स्वस्थ सबको रखना चाहते हैं तो सरसों का तेल ही यूज कीजिए। ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी तल के तैयार हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों को मेरे चैनल में अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, प्लीज़ तरीका बनाने का भी अच्छा लगता हो, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ दोस्तों, चटनी के साथ आपके साथ
इतना बहुत अच्छा था, यम्मी यम्मी थी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।